जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्मार्टफोन ब्लास्ट, ज़्यादातर केसेस में एक फ़ोन के अंदर बैटरी ब्लास्ट होती है तो स्मार्टफोन ब्लास्ट हो जाता है। कई बार और भी मेजर फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा मैंने देखा है कि ये चीज़ ना गलती जो है यूज़र्स पे डाल दी जाती है। तो ऐसे कोई भी चीज़ हो, कोई भी मशीन हो, फेलियर होने के चांसेस होते ही होते हैं। सेम स्मार्टफोन के साथ होता है, लेकिन फ़ोन के साथ एक दिक्कत ये कि आपका इतना ज़्यादा खास सहेली बन चुका है या दोस्त, हम लोगों का भी, मैं भी आता हूँ उसमें, कि हम लोग उसको अपने साथ रख के सोते हैं, जेब में रख के घूमते हैं। इसका ब्लास्ट होना ज़्यादा रिस्की है, लेकिन 2021 में मैंने देखा ये केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे, एक लिमिट से ऊपर देखने को मिले मुझे। तो मुझे लगा बात किया जाए और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करता हूँ आपसे। जब भी कोई फ़ोन ब्लास्ट होता है, ऐसे में दो तीन चीज़ें हो सकती है। पहली बात तो ये है कि यूज़र सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट को शेयर करता है, जहाँ से चीज़ें आगे जाती हैं, जाहिर सी बात है। अगर वो जेन्युइन होता तो ब्रांड डेफिनेटली कोशिश करता है कि भाई उससे जल्द से जल्द उस तक पहुँचा जाए, उसको नया फ़ोन दिया जाए, आपस में बातचीत करके उसके उस मैसेज को डिलीट करवाया जाए। ट्विटर की बात कर रहा हूँ स्पेशली, बहुत सारे ट्वीट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रियलमी 8 का ट्वीट देखा मैंने आज, थोड़ी देर बाद देखा ट्वीट गायब था कि हाँ भाई फ़ोन का ब्लास्ट वगैरह, उसके बाद नया ट्वीट आता है कि हाँ रियलमी ने रीच आउट किया, उसके बाद नया फ़ोन मिल गया इनको, ये भी खुश है। और कई केसेस में ये चीज़ें फेक भी होती हैं, जैसे कि OnePlus Nord 2 का आपने काफ़ी सारी इस बार न्यूज़ सुनी होगी ब्लास्ट से रिलेटेड। बिल्कुल उस न्यूज़ में सच्चाइयाँ भी थी, ऐसा नहीं कि वो फेक ट्वीट थे या फेक स्क्रीनशॉट थे सबके सब, लेकिन ये भी सच है उसमें कई सारे ट्वीट्स ऐसे किए गए। जैसे ये वाले की बात करें, इसमें कोई फोटो वगैरह नहीं था शुरू में, उसके बाद ये ट्वीट थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया जाता है, बाद में अकाउंट ही गायब हो जाता है भाई। वैसे लेटेस्ट अभी एक और OnePlus Nord 2 का ट्वीट आया बकायदे फोटो के साथ, मैं इसको फेक नहीं कह रहा हूँ। तो डीफेम भी किए जाते हैं, लेकिन ये केसेस सच भी होते हैं, और बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो आगे पहुँचते ही नहीं है। फोन ब्लास्ट हुआ, नॉर्मल यूजर है वो नहीं पहुँचा पाता अपनी बात आगे। लेकिन वीडियो का ये पार्ट एक तरफ कि क्या केसेस हैं, कैसे केस हुए, लेकिन उससे बड़ा जो है मेरे मन में है तीन क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, स्मार्टफोन ब्लास्ट होने के मेन रीजन। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आपकी क्या गलती है, और अक्सर आपकी गलती बता के एक्सटर्नल फोर्स, ओवर चार्जिंग, गलत चार्जर यूज किया, ऐसे ऐसे कह के ब्रांड्स वाले चुपचाप साइड में निकलना पसंद करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जिस पर जल्दी कोई बात नहीं करना चाहेगा, ब्रांड्स की तरफ से कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, वो भी पांच है, उसके बारे में बात करूंगा। और चौथा क्वेश्चन, मैं घूम घूम के वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ, एक जगह भी तो की जा सकती है। और पांचवा क्वेश्चन, अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, अभी सब्सक्राइब करो घूम घूम के। अब पहले सवाल का कोई फिक्स आंसर नहीं है भाई, फोन क्यों ब्लास्ट होता है। मेजोरिटी ऑफ केस में ब्लास्ट होती है फोन की बैटरी, जहाँ पे अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं। कोई कहता है कि भाई हाँ बैटरी अभी सेफ है, रात भर चार्जिंग लगा के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे कोई कहता है कि ओवर चार्जिंग से फोन ब्लास्ट हो सकता है, सच्चाई क्या है। एक प्रोटेक्शन प्लेट होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है ओवर चार्जिंग को, तो ओवर चार्जिंग से फोन ब्लास्ट होना, अगर आप ओरिजिनल चार्जर यूज कर रहे हैं तो ये कोई लॉजिकल आंसर नहीं है आज की डेट में 2021 में। लेकिन अगर उस प्रोटेक्शन प्लेट में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर उसको हटा के अगर आप उसको चार्ज करने लग जाओ ना, तो कुछ ये होगा, बैटरी फूल जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगी। दूसरा रीजन, फोन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होना। जब बहुत ज्यादा ऐसे प्रेशर दबाव वाद हो गया ना फोन को, थोड़े बहुत केसेस जैसे कि आपका फोन गिर गया, उसके बाद कहीं उसके इंटरनल कुछ ऐसा हुआ बैटरी के साथ जो कि उस टाइम तो ठीक चल रहा था, बाद में हो सकता है चांसेस हो, ये सब बहुत ही कम चांसेस होते हैं ऐसे। मैंने पता नहीं कितने फोन अपने लाइफ में यूज किए हैं, पता नहीं कितने बार गिरे हैं, टूट गया, डिस्प्ले नहीं लग गई, लेकिन आज तक ब्लास्ट नहीं हुआ। और तीसरा, आजकल भाई खेलना है सबको पबजी, मार्केट में एक से एक गेम्स है, बहुत सारे लोग फोन के साथ बहुत सारे हैवी काम भी करना पसंद करते हैं, तो ऐसे केसेस में भी ओवरलोड पड़ने पे फेलियर होने के चांसेस हैं। और कई बार इक्विपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि अभी पीसी की दुनिया की बात करें तो गीगाबाइट का पावर सप्लाई याद होगा आप लोगों को। और छोटे मोटे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा, जिससे आप टेंशन में आ सकते हो, फोन यूज करना बंद कर दोगे। जैसे कि अगर बात करें आपकी क्या गलती होती है, उस पर आपको एक से एक चीजें सुनने को मिलेंगी, भाई ओरिजिनल चार्जर यूज करो आप, ओरिजिनल डाटा केबल यूज करो आप, ऐसे मतलब तकिए के नीचे डाल के फोन को चार्ज मत करा करो, और अगर आपका फोन ओवरहीट हो रहा है बहुत ज्यादा तो कोशिश करें भाई ऐसा कुछ काम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए रोक दो। लेकिन प्रैक्टिकल में तीन पॉइंट तो ऐसे आपको बताना चाहूंगा जिस पे भाई आपको सच में जोर देना चाहिए, मतलब ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये सही बात है कि भाई हाँ लोकल चार्जर वगैरह से बचो आप, या तो किसी अच्छे ब्रांड का यूज करो, नहीं तो उसी ब्रांड का यूज करो। उससे भी ज़्यादा ब्रांड वाले आपको ऐड करके दिखाते हैं ना ऐसे, मतलब इन्फ्लुएंस कराते हैं आप लोगों को कि हाँ भाई आजकल गेमिंग का टाइम है, हर कोई गेम खेलना चाहता है, और गेम खेलोगे तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगा, तो फिर चार्जिंग के टाइम भाई बैटरी फोन को चार्ज भी लगा रखा है और गेम भी खेल रहे हो, ऐसा ब्रांड वाले खुद भी दिखाते हैं ऐड वगैरह करके। लेकिन ब्रांड वाले ऐसे बैक में ना मोटा मोटा कवर लगा के नहीं टेस्ट करते, तो आपने क्या किया, गेमिंग भी कर रहे हो, फोन पे लोड पड़ रहा है, फिर आप उसको चार्जिंग पे भी लगा रहे हो, फिर मोटा सा बैक केस कवर भी लगा रखा, उसमें वैसे भी हीट रिलीज, मतलब फोन ठंडा लेट होता है। अब ऐसे केसेस में क्या फोन ज्यादा गर्म होगा, भाई ज्यादा गर्म होगा। और अगर मान लो किसी फोन में थ्रोटल करने की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत बेटर ना किया हो, तो
एक लेवल से ऊपर फोन का टेम्परेचर जा सकता है, क्योंकि 10,000 का फोन, 20,000 का फोन और 1,00,000 का फोन, सब में जो सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है ना, सेम तरीके से काम करे जरूरी नहीं है। आपको लगता है आपका फोन गर्म हो रहा है तो ये तीनों काम मत करो मेरे हिसाब से, चार्जिंग, गेमिंग और साथ में बैक कवर। और तीसरा कहूंगा कि भाई धूप वगैरह में रख के फोन को कोशिश करो, खिड़की वगैरह पर रख के चार्जिंग नहीं करना चाहिए। फोर्थ ये भी कह सकता हूँ कि पावर बैंक वगैरह का भी आप ध्यान रख सकते हो कि कोई भी ऐसे चलता फिरता लोकल मार्केट से पावर बैंक ना ही यूज करे तो बेटर है। एंड आई एम श्योर ये ऐसी बातें थी जिनमें से मेजोरिटी ऑफ लोगों को पता होंगी, लेकिन ब्रांड्स वालों की तरफ से मैं बताना चाहूंगा कि ब्रांड वालों की तरफ से क्या मिस्टेक है, ये मेरे ओपिनियन से, जरूरी नहीं कि ये मतलब कहीं रिसर्च करके नहीं पाया गया। एक से एक फोन आ रहे ना मार्केट में आजकल, वही बैटरी वगैरह आप खुद तो चेक भी नहीं कर सकते, रिप्लेस करने की तो दूर की बात है। पतला बनाना भाई लोगों को फोन, इनको किसी को पेंसिल से पतला बनाना है क्या? फोन को पतला बनाना ही एक फोन को कंफर्टेबल डिजाइन देता है? कंफर्टेबल डिजाइन, पतला फोन, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड हो। लाओ LG विंग लाओ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्रांड इतने मोटा मोटा फोन बनाने लग जाए, लेकिन ये मेरे पास दो मोटे टाइप के फोन है, एक तो हमारे पास LG विंग है, एक हमारे पास ये गैलेक्सी फोल्ड है, तो ये देखा जाए दो फोन को जोड़ देते हैं तो एक फोन बनता है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि अनकंफर्टेबल है, ज्यादा कॉन्फिडेंस से मैं इस फोन को यूज कर सकता हूँ। हालांकि ये फोन भारी है, मैं चाहता हूँ थोड़ा हल्का रहे, डे टू डे लाइफ में 200 ग्राम से नीचे के फोन काफी अच्छे माने जाते हैं, तो हमें इतने पतले फोन की क्या जरूरत है कि जिसमें हीट रिलीज ना हो प्रॉपर। मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा था। फोन की बात करें, अगर फ्लिप 3 आया ना और फोल्ड 3 की बात करें, दोनों फोन मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हुए, दोनों स्नैपड्रैगन 888 के साथ आते हैं, दोनों एक ही ब्रांड के फोन है, लेकिन फ्लिप के कंपैरिजन में फोल्ड ठंडा रहता है। इनमें तो वैसे एक्स्ट्रा जगह है, कोने होने से हीट निकल जाती होगी जो भी है, बट ये फोन इतना हीट नहीं होता जितना कि फ्लिप में फील होता है। और दूसरी बात है, इसमें ब्रांड्स की गलती आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, आजकल कंपटीशन की वजह से इतने ज्यादा फोन लॉन्च किए जा रहे हैं और सबको यही पड़ी है भाई कम से कम रेट में ज्यादा से ज्यादा स्पेक्स डाल दो, सॉफ्टवेयर कैसा है, कैमरा कैसा है, उस पर ध्यान बाद में दे लेंगे हम लोग। और ये किसी भी मार्केट में अगर कॉम्पिटिशन होगा तो ऐसे ही होगा, वही हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से जब भी क्वांटिटी बढ़ेगी क्वालिटी तो घटनी फिक्स है। सॉफ्टवेयर अपडेट पे इतना कंट्रोल नहीं है क्योंकि उसको उतनी ज़्यादा क्वालिटी टेस्टिंग की नहीं जाती। कई बार चीप सस्ते क्वालिटी के कंपोनेंट भी यूज़ किए जा सकते हैं जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे बड़ा ड्रामा जो मुझे लगता है ब्रांड्स का, एनवायरमेंट के नाम पे चार्जर देना बंद कर दो। अच्छी बात यह है कि अभी ये फ्लैगशिप के साथ हो रहा है ना, देखते जाओ ये बीमारी बहुत जल्द आएगी मिड रेंज में। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मुझे बाकी लोगों को नहीं पता भाई, जो जो अपना अपना ओपिनियन देते हैं ना एनवायरमेंट के नाम पे वो जाने, लेकिन मेरे हिसाब से जो बंदा फोन बेचता है ना चार्जर साथ में बेचता है, और इंडिया में तो 4-4 साल फोन यूज करता है बंदा, चार्जर और केबल की तो वैसी अंतड़ियां बाहर आ जाती हैं, उसको नए फोन के साथ ये चार्जर और केबल चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये लोग चार्जर नहीं देंगे तो यूजर क्या करेगा? कोई 10,000 का फोन लेगा तो उसको सस्ते सस्ता चार्जर की तरफ वो ज्यादा जल्दी जाएगा ना। हर कोई टेक वीडियो तो नहीं देखता है, हर किसी का बजट तो नहीं होता ना उतना, तो ये इनडायरेक्टली एक तरीके से ब्लास्ट का कारण बन सकता है, जिसमें कहीं ना कहीं ब्रांड की गलती मैं दूंगा। और लास्ट पॉइंट, ब्रांड वालों को मेरा फीडबैक ये भी है कि भाई आप चार्जिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है। अब मैं जानता हूँ कि इन्फॉर्मेशन गाइड में दी जाती है, हर फोन के साथ मिलता है, कौन पढ़ता है उसको। अब मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने सैमसंग का फोन लिया है, किसी भी ब्रांड का फोन लिया, उनका एक बंदा आएगा आपको समझाने, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो फिर क्या हो सकता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, ये ब्रांड का काम है। अगर ब्रांड वाले इल्जाम लगा सकते हैं यूजर पे, मेजोरिटी ऑफ टाइम में यूजर को ही कहा जाता है ना भाई आपकी गलती से फोन फट गया, तो आप उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भी कुछ कर सकते हैं, जैसे मैं एक सोल्यूशन देने की कोशिश कर सकता हूं, पता नहीं कितना पॉसिबल है कितना नहीं आप बताओगे। ब्रांड वाले अपने फोन में ब्लॉटवेयर डाल सकते हैं, उसको कस्टमाइज करने के लिए फीचर डाल सकते हैं अलग अलग, तो लाइक उसके अंदर कोई एक ऐसी वीडियो दी जा सकती है उसके गैलरी ऐप में कि हाँ कि कोई बंदा फोन खरीदेगा, स्पेशली जो टेक वीडियो नहीं देखता, और वो बंदा गैलरी में जाकर वीडियो प्ले कर सकता है कि क्या नहीं करना उसको अपने फोन के साथ गलतियां। अब मैं एप्लीकेशन का आइडिया तो नहीं दूंगा, कल को उसी में ऐड चला रहे हैं लोग अपने, तो ऐसी वीडियो दी जा सकती है। एंड डेफिनेटली ब्रांड्स को अपने क्वालिटी कंट्रोल पे भी काम करने की जरूरत है, यूजर तो फोन यूज करता है। हालांकि मैंने रियल लाइफ में अभी तक किसी को फोन को फटते हुए नहीं देखा, ये केसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फोन के साथ इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये एक लाइफ का पार्ट बन चुका है। बाकी आपके मन में कोई सुझाव या कुछ भी हो कमेंट करना, और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, ये काम आपका है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।